मार्च के महीने में अर्थात 20-21 जो कि दिन है होली का, उस दिन सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य का और सभी प्लैनेट्स का, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहाँ पे हम प्रूफ के साथ बात करेंगे कि कैसे वो चीजें आएंगी उनकी कुंडली में, किस तरीके से उनका प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहले आप ज्योतिष घर की वेबसाइट को खोल सकते हैं या किसी भी वेबसाइट को खोल लें जहां से आप कुंडली बना सकते हैं। आप उसमें डेट डाल दीजिए 21 तारीख की, क्योंकि 21 मार्च के करीब आपका होली पड़ रहा है, या जब भी ऐसी फेस्टिवल आए जैसे होली दिवाली, वैसी ही डेट आप डालें, आपको पता लग जाएगा कि उसके आसपास ऐसा भविष्य आपका रहने वाला है। तो 21 मार्च की हमने डेट डाल दी यहाँ पे 2019, और जगह हम कोई भी डाल दें यहां से और जनरेट हम चार्ट कर दें तो ये मिल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ये लग्न चार्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे आपको प्लैनेट्स को देखना है और उन प्लैनेट्स को लिख लेना है एक जगह पे। चलिए, गोचर के टाइम जो हमारी मासिक हर महीने में गोचर मूवमेंट होता है और जो साल का गोचर होता है, उन प्लैनेट्स पे आपको जोर देना है। कौन कौन से हैं वो? राहु को आपको देना है, केतु को देना है, शनि को देना है, बृहस्पति देव को देना है आपको, और एक एक महीने वाले जो एक एक महीने में घर एक घर से दूसरे घर में मूवमेंट करते हैं, जिसमें आपके बुध देव हो गए, आपके शुक्र देव हो गए और मंगल देव हो गए और सूर्य देव, इन सबकी आपको लिस्ट बना के एक जगह पर लिख लेना है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे 9 नंबर में आपका शनि और केतु बैठे हुए हैं। तो 9 नंबर क्या है? धनु। तो आपको 9 नंबर के आगे शनि और केतु लिख लेना है। उसके बाद 1 नंबर में मंगल बैठे हुए हैं, तो 1 नंबर के आगे आपको मंगल लिखना है। 12 नंबर में सूर्य गोचर करेंगे मार्च के महीने में, तो 12 नंबर के आगे आपको सूर्य लिख लेना है। 10वें नंबर में आपके शुक्रदेव हैं वीनस, तो 10वें के आगे आपको वीनस लिख लेना है। और 11वें नंबर में आपके मरकरी बुध देव बैठे हुए हैं, तो 11 नंबर के आगे आपको बुध देव लिख लेना है। और 3 नंबर में आपके राहु बैठे हुए हैं, और 8 नंबर में आपके, आप देख रहे हैं 8 नंबर के साथ कौन से बैठे हुए हैं? जुपिटर बैठे हुए हैं। तो आपको ये लिस्ट एक जगह पे लिख लेना है और उसके बाद अब आपको अपना चार्ट देखना है। चलिए, अब देखते हैं हम चार्ट के ऊपर। अगर आपकी एरीज है अर्थात मेष लग्न की कुंडली है, तो आप अपना चार्ट उतारिए और चार्ट खोलकर इन नंबरों को एक जगह पर लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप अपनी कुंडली को उठा लीजिए। आपकी कुंडली इस तरीके से होगी और इस बॉक्स के अंदर नंबर लिखे होंगे, वो नंबर आपकी राशि और आपके लग्न के हिसाब से लिखी होगी। और नीचे आप देख रहे हैं कि जैसा हमने मार्च के महीने का गोचर उठाया था, वो नंबर हमने इस तरीके से आपको लिख लिया है। अब आपको इन नंबरों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम प्रिडिक्शन करने चाह रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आपको इसको तब तक ध्यान रखना है जब तक पूरी की पूरी प्रिडिक्शन ना हो जाए आपके पास। चलिए, अगर आपके नंबर में यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ये आपका लग्न का भाव होता है, इस भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो ये आपकी जो कुंडली होगी वो आपकी मेष लग्न की कुंडली होगी, क्योंकि 1 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो मेष को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, अब क्या है आपको देखना है, आपकी कुंडली में 1 नंबर यहां पे है, तो 1 नंबर में हमने किसकी बात की थी? मंगलदेव आपकी कुंडली में 1 नंबर पे बैठे हुए, तो आपने यहां पे सिंपल मंगलदेव को लिख लेना है। उसके बाद क्या है, अगर आप देख रहे हैं 10 नंबर में आपके शुक्रदेव हैं, तो 10 नंबर वाला घर ये होता है, तो यहां पे आपके वीनस आ गए, शुक्रदेव आ गए। उसके आप बात देखना 12 नंबर, 12 नंबर में आपके सूर्यदेव बैठ रहे, तो आपको ये सारा का सारा, ये आपका मार्च का महीना है, मार्च 12वें नंबर में सूर्यदेव आ गए, और आपके शनि और केतु जो हो गए वो 9 नंबर में आ गए, तो 8 नंबर ये होता है, तो शनि और केतु का नंबर ये हो गया, तो शनि और केतु आपकी कुंडली में यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। चलिए, बृहस्पति आपकी कुंडली में 8 नंबर में बैठे हुए हैं, तो 7 नंबर ये होता है, तो 8 नंबर ये, तो जुपिटर जो आपकी कुंडली में वो यहाँ पे आकर बैठ गया। चलिए, और राहु जो आपकी कुंडली में है वो 3 नंबर में है, तो 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, तो 3 नंबर ये, तो राहु अपने अच्छे जैमिनी मिथुन राशि में बैठा हुआ है, मिथुन लग्न की कुंडली में मिथुन जगह पे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आपको देखना क्या है, अब आपको मार्च की प्रिडिक्शन करनी है। ये चीज जो आपको यहां बताई जा रही है, आपको मेष राशि में यही अप्लाई करना है, मिथुन राशि में यही अप्लाई करना है, वृषभ राशि में, कर्क राशि में, सभी में इसी तरीके से नंबरों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और नंबर यहां पर चाहे जो मर्जी लिखे हुए हैं, जो मर्जी घर बैठे हुए हैं, उनको भूल जाइए। आप सिर्फ ये याद रखिए कि कौन से प्लैनेट कहां कहां बैठे हुए हैं। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में अपने बताया है कि जो इसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो वो 3 घरों को एक्टिवेट कर देंगे, और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी 1 दृष्टि होती है, तो वो 1 घर को एक्टिवेट कर देते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो 7th
हर ग्रह की सातवीं दृष्टि जो होती है वो हमेशा होती है, और सातवीं दृष्टि से वो कहीं ना कहीं अपने घर में तो देखेंगे ही देखेंगे। अगर मंगल यहां बैठा हुआ है, विनस यहां बैठा हो, तो सातवीं दृष्टि वो यहां लगा, तो इसको और इसको वो एक्टिवेट करेगा। चलिए अब देखते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। अब देखिए आपका जो शनि देव है, शनि देव बैठे हुए हैं नवम भाव, ये जो वाला भाव होता है ये भाग्य का भाव होता है, डेस्टिनी का भाव होता है। ये भाव जो होता है आपको धार्मिक बनाता है, आपको छोटी पिता का भाव भी यही होता है, आपको छोटी मोटी यात्रा भी यही भाव करवाता है। तो शनि देव जो है वो यहां बैठे हुए हैं सातवीं दृष्टि से, वो आपके पराक्रम भाव को भी देखेंगे। केतु भी सातवीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को ही देखेगा, और शनि महाराज की तीन दृष्टियां होती हैं, केतु की भी तीन दृष्टियां होती हैं, तो वो आपके तीन घरों को एक्टिवेट कर देंगे। केतु की होती है 5, 7, 9, तो यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आपके लग्न भाव पे इफेक्ट करेगा केतु, 6, 7 आपके पराक्रम भाव पे इफेक्ट करेगा केतु, 8, 9 आपके जो ये संतान वाला भाव है, लव मैरिज वाला भाव है, प्रेमिका का भाव है, एजुकेशन का भाव है, इसको भी इफेक्ट करने वाला है केतु। इसी तरीके से जो शनिदेव है, शनिदेव की भी दृष्टियां होती हैं 3, 7, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3 से ये आपके लाभ भाव को इफेक्ट करेगा। सातवीं दृष्टि से हमने पराक्रम भाव को देखा, और 8, 9, 10 से ये आपके शत्रु वाले भाव पे इफेक्ट करेगा। तो आर्थिक दृष्टि से अगर हम पैसे की भावना को देखे चले जाए, आपके लिए साल ये महीना जो है काफी अच्छा होगा, क्योंकि शनि और धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से यह माह लाभदायक होने वाला है आपके लिए। आप किसी के प्रति सीरियस हैं तो इस माह में वो कार्य सफल हो सकता है। अगर आप लव मैरिज के किसी के लिए लव की भावना है, तो लव की भावना भी आपकी यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है कुंडली में। धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि धन है शुक्रदेव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो शुक्रदेव से आपको पैसा जो भी डॉलर जो भी है आप यहां से कमाएंगे, धन की प्राप्ति भी आपको यहां पे होगी, बेहतर माह है। लेकिन आपको एक चीज और है, कई लोग कहेंगे कि हमारी कुंडली में तो ऐसा नहीं हो रहा, आपको ग्रहों की डिग्रियां जरूर देखनी है, नीच का तो नहीं है ये भी जरूर देखना है अपनी कुंडली में उठाकर। घर परिवार में कलह की उत्पत्ति हो सकती है, तो आपको घर प्रभाव का ध्यान रखना है, आपके घर वाले प्रभाव में, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति जो है आपके घर में बैठा हुआ है, स्पाउस के ससुराल पक्ष में बैठा है, तो बहस भी यहाँ पे आपकी हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि का जो राहु है आपकी कुंडली में वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। चलिए इस माह के शुरुआत में आपको आत्मविश्वास, क्योंकि अब देखिए मंगल यहां बैठा हुआ है आपके लग्न भाव में, तो मार्च के पहले ही सप्ताह में आप में, क्योंकि मंगल जो होता है स्टेमिना का, फुर्ती का होता है, आपको बहस करने की बहुत ज्यादा शक्ति देता है, वो आपको पूरा उत्पन्न करेगा। तो जिस किसी काम को आप करने की इच्छा सोच रहे हैं, तो वो काम आपका जरूर ही पूरा होने वाला है, क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि आपकी पड़ रही है आपके पार्टनरशिप भाव में, आपके पत्नी के भाव में, तो कहीं ना कहीं आपकी कलह हो सकती है, तो इससे भी आपको बचकर रखना ही रहना है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति जो शुक्रदेव हैं वो कहीं ना कहीं आपके इस वाले घर में बैठे हुए हैं, धन संपत्ति कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी होगी। धन धान्य तथा अचल संपत्ति की दृष्टि से यह माह आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। चलिए अब आपके स्वास्थ्य की बात कर लेंगे, स्वास्थ्य के लिए यह कैसा टाइम रहने वाला है। तो जो स्वास्थ्य के लिए है, इस स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय इस माह का थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी तरह की चोट चपेट में अथवा जल से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपका घर घर में जाकर बैठा हुआ है, तो ये आपको थोड़े मोटे एक्सीडेंट भी करवा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इस वाले भाव का। पेट से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बृहस्पति होता है वो पेट का कारक होता है, और ये गलत है, तो आपको गैस्ट्रोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस भी पेट में ज्यादा पड़ सकती है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि मंगल जो है वो आपका यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा दे रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके पत्नी वाले भाव पे पड़ रहा है, पार्टनरशिप से उनसे बहस भी आपकी हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के बारे में, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल के साथ आपको दिया है। इन नंबरों को आपको याद रखना है, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे हुए हैं आपको इन नंबरों को वहां प्लेस कर देना, और देखना है कहाँ कहाँ वो दृष्टियां डाल रहे हैं, और आपको उसी के अनुसार वो फल देने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई समस्या हो, कोई समाधान आपको चाहिए, तो हमारी ऐप को जो कि ज्योतिष घर है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी ले सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ये बेल आपको साथ में दिखे इसे प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वृषभ राशि की बात करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।